एक समय था जब राजद सुप्रीमो लालू यादव की तुत्ती बोलती थी। मुख्यमंत्री तो थे ही, साथ ही बिहार में वर्चस्व भी था। इस दौरान लालू यादव ने मुख्यमंत्री रहते कई पत्रकारों पर एहसान भी किया था, किसी को प्लॉट देकर तो किसी को कोटा लाइसेंस और परमिट देकर। इस दौरान एक समाजवादी विचारधारा रखने वाले पत्रकार ने लालू यादव के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। वो पत्रकार कोई और नहीं बल्कि उस समय के पटना में जनसत्ता अखबार के राज्य संवाददाता सुरेंद्र किशोर थे, जिसका जिक्र खुद लालू प्रसाद यादव ने पत्रकार प्रभात जोशी से बातचीत के दौरान की थी। मगर ऐसा भी नहीं था कि उस समय की पत्रकारिता में धार नहीं थी, पत्रकार खुलकर लिखते नहीं थे, कलम पर किसी की बंदिश थी, ऐसा बिल्कुल नहीं था। पत्रकार खुलकर लिखते भी थे, खुलकर बोलते भी थे, कलम किसी के अधीन नहीं थी। मीडिया मैनेजमेंट नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। भले ही लालू यादव राजनीतिक रूप से बहुत दमंग थे, अब बात आती है पत्रकारों में सत्य, साहस और समर्पण की भावना होने की। उस समय के लालू यादव कोई आम नाम नहीं था, उनके किसी ऑफर को किसी के द्वारा ठुकराना भी सहज नहीं था। ऊपर से जब कोई मुख्यमंत्री आपको ऑफर दे रहा हो, ऐसे में बड़े बड़े लोगों की पैर टिक जाती है, फिर एक साधारण से पत्रकार की तो बात ही क्या। फिर भी सुरेंद्र किशोर ने यह साहस दिखाने का हिम्मत किया, चाहते तो उनका भी आज के समय में पटना सिटी में एक बिल्डिंग होता, अगर उस समय राजद सुप्रीमो लालू यादव की बात मान जाते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, शायद उनकी जमीर ने इजाज़त नहीं दी। अब आपको पूरी घटना क्रम बताते हैं। दरअसल पत्रकार सुरेंद्र किशोर लालू यादव के संसदीय क्षेत्र छपरा के ही रहने वाले हैं। लालू यादव ने मुख्यमंत्री रहते सुरेंद्र किशोर को एक दिन अपने घर बुलाया और उनके सामने एक नक्शा खोलकर रख दिया और कहा कि देखिए, पटना सिटी में एक नई कॉलोनी बन रही है, आप जिसमें चाहो उसमें उंगली रख दीजिए, वो प्लॉट आपका हो जाएगा। जिसके बाद सुरेंद्र जी सन रह गए और कहा कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। फिर लालू यादव ने उनसे कहा कि आप पैसे की चिंता मत कीजिए। जिसके बाद सुरेंद्र किशोर ने मुख्यमंत्री से कहा कि मुझे क्षमा कीजिए, मुझे किसी भी तरह का प्लॉट नहीं चाहिए। फिर लालू यादव ने इस पर उनको कुछ भी कहा भी नहीं। ये बातें 90 की दशक की है। उस समय पत्रकारिता और आज के पत्रकारिता में जमीन आसमान का अंतर हो गया है। पत्रकारों को लिखने बोलने में कई तरह की बंदिशें हैं। पत्रकारिता कॉरपोरेट के अधीन हो गया है और पत्रकार उसके संरक्षक। जिस तरह से देश में कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका की अपनी स्वतंत्रता है, उस तरह से पत्रकारिता की नहीं है। पत्रकारिता को भले ही चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन उसके अधिकार को सीमित कर दिया गया है। फिर भी सुरेंद्र किशोर जैसे पत्रकार का बनना विरले बात है। आज सुरेंद्र किशोर एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्तंभकार के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने लगभग 4 दशकों से देश के नामी गिरामी अखबारों में, जैसे आज जनसत्ता, हिंदुस्तान और दैनिक भास्कर में अलग अलग जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। फिलहाल वो स्वतंत्र लेखक के माध्यम से देश और समाज को सही राह दिखाने में लगे हैं। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।